नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं एचआरआई न्यूज पर। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ को लेकर संसद में सवाल खड़े किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में लगातार अनबन देखी जा रही है और अंदरूनी खटास भी यहाँ पर साफ तौर पर अब सामने निकल के आ रही है। देश में मानवाधिकार उल्लंघन मामले में यूपी नंबर एक, लगातार तीसरे साल दर्ज हुआ सर्वाधिक मामला, यहां पर रिपोर्ट पेश की है गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल हमेशा ही सवाल खड़े करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बताते रहे हैं, जबकि कहते हैं कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में चलता ही नहीं है। और वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि इस साल 31 अक्टूबर तक एनएचआरसी ने देश में मानवाधिकार उल्लंघन के 64,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं, जिनमें सर्वाधिक 24,000 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की पोल खोलकर रख दी है गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में और जमकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कोसा है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छुपा नहीं पाए और संसद में आखिरकार सच बोल ही दिया। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही थी, ब्रेकिंग न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।